लंबा नहीं, कोई ताज्जुब नहीं और इसमें कोई एतराज की बात भी नहीं। अब आइए असल मसले की तरफ जिसको मैं पेश कर रहा था। ये मसला भी ऐसे ही हुआ मेरे हक में कि मैं मुसलसल लगा रहा ये देखने के लिए कि इसमें जो तस्वीर आती है वो तस्वीर इस इतलाफ उस पर होता है या महज अक्स का इतलाफ उसके ऊपर होता है। ये तहकीक करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा और मैंने साइंसदानों का कलाम इस सिलसिले में पढ़ा और इसी तरीके पर उन अरब उलमा का कलाम भी पढ़ा जो इस सिलसिले में जानकारी रखने वाले, और पूरी तहकीक के बाद इस सिलसिले में उन्होंने कुछ लिखा है। अलल तक लिखने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, उन फुकहा की बात कर रहा हूं जो जिम्मेदाराना तौर पर गौर करते हैं, जिम्मेदाराना तौर पर लिखते हैं, तफक्कुर के बाद लिखते हैं, हकीकत को जानने के बाद लिखते हैं। उनका कलाम भी मैंने पढ़ा। इसी तरीके पर हमारे हिंदुस्तान में और बाजू पड़ोस मुल्क में जो उलमा इस सिलसिले की हकीकत से वाकिफ होकर जो फतवे इस सिलसिले में लिखे हैं मैंने उनको भी पढ़ा। इन सारी तफसीलात को पढ़ने के बाद, एक तरफ साइंसदानों की तहकीक पढ़ने के बाद, दूसरी तरफ अरब उलमा में से जो लोग इस फन से वाकिफ होकर लिखने वाले हैं उनके कलाम को पढ़ने के बाद, और तीसरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उन उलमा की बात जिन्होंने इस फन को समझने के बाद हकीकत हाल की तरफ रोशनी डाली उनके कलाम को पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें अंदर भी तस्वीर नहीं होती, बाहर भी तस्वीर नहीं होती। अंदर तो ये डिजिटल है, डिजिटल का मतलब ये है कि कुछ हुरूफ और नुकूश होते हैं, कुछ आदाद और शुमार होते हैं। जब ये अक्स करता है कैमरा तो अंदर जाने के बाद कोई तस्वीर वहां पर नहीं होती। अब मेरी तस्वीर ली जाए तो मेरा कोई चेहरा वहां पर नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। अलबत्ता कुछ हुरूफ और नुकूश की शक्ल इख्तियार कर लेती है, और फिर जब वो नुकूश और हुरूफ को जारी करना चाहते हैं तो तस्वीर की शक्ल में यानी अक्स की शक्ल में नजर आने लगता है। इसलिए ये अक्स जो नजर आता है ये अक्स के हुक्म में है। अंदर भी कोई तस्वीर नहीं, बाहर भी कोई तस्वीर नहीं। ये होने के बाद मैंने इस सिलसिले में एक रिसाला भी लिखा, लेकिन वो अब तक इसलिए शाया ना हो चुका, ना हो सका कि लॉकडाउन का जमाना चल रहा था और मुसलसल जो है हालात खराब चल रहे थे और तमाम इदारे और तमाम जो है इस तरह के तबाह करने वाले इदारे सब बंद पड़े हुए थे। इसलिए और भी मेरी कई किताबें हैं जो इस दरमियान में लिखी गई, तकरीबन 10 किताबें हैं जो लॉकडाउन के जमाने में अख्तर ने लिखी अल्लाह के फजल से करम से, लेकिन वो अब तक शाये इसलिए न हुई कि सिलसिला जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम चीजों की बंदिश का था।